सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। साथियों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी भर्ती के बारे में बताऊंगा जिसमें ना किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू, सीधे कंडक्टर की वैकेंसी निकली है। जो 12वीं में आपने जो परसेंटेज प्राप्त किए उसी के आधार पर ये सीधी भर्ती होने वाली है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। तो आगे आप देख सकते हैं जो ये वैकेंसी निकली है, जो राजस्थान पत्रिका के 15/10/2018 के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ जारी की गई है। ये पत्रिका के दोस्तों 15/10/2018 का जो न्यूज़पेपर है उसमें न्यूज़ ये जारी की गई है। इसके साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में जो सड़क परिवहन निगम में 352 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिलेक्शन होने के पश्चात उत्तर प्रदेश स्टेट में आपको नौकरी करनी होगी। सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने हाल ही में वाराणसी, हरदोई और मुरादाबाद क्षेत्रों में संविदा के आधार पर कंडक्टर की भर्ती हेतु कुल 352 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी अपना फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भर सकता है या इसके साथ इसमें यह भी लिखा है ऑनलाइन के अलावा कैंडिडेट डाक के द्वारा भी अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन शुल्क संबंधी और अधिक जानकारी के लिए इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसमें कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 40 वर्ष, यानी 18 से 40 वर्ष का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं इसमें कैंडिडेट की अंतिम तिथि की, जो अपना फॉर्म अप्लाई करने की, तो कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि है इसमें वाराणसी के लिए 15 अक्टूबर 2018। लेकिन दोस्तों, 15 अक्टूबर की जो ये डेट है इसको बढ़ा दिया गया है और इसमें अब ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 20 अक्टूबर 2018। यानी कि वाराणसी, हरदोई और मुरादाबाद इनके लिए जो 15 अक्टूबर की डेट है इसको बढ़ा करके 20 अक्टूबर 2018 कर दिया गया है। इसके साथ ही मैं इसको बढ़ाई गई डेट का ऑफिशियल नोटिस भी इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। अब बात करते हैं अभ्यर्थी कितना पढ़ा लिखा हो, तो अभ्यर्थी 12वीं कक्षा पास हो, ऐसा कैंडिडेट जिसने निलिट संस्था से ए या ओ लेवल का कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो वो कैंडिडेट इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। या ऐसा कोई कैंडिडेट जिसने केंद्रीय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI किया हो ऐसा कैंडिडेट भी इसके लिए अपना फॉर्म भर सकता है। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो दोस्तों इसमें जो अपने 12वीं में जो प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसी के आधार पर इसमें सिलेक्शन होना है। अगर आप इस भर्ती की विस्तृत जानकारी देखना चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दूंगा, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल साइट आप देख सकते हैं www.upsrtc.com। इस साइट पे जाकर भी आप इस भर्ती की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आगे मैं आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में आप देख सकते हैं इसमें जो ये वैकेंसी निकली है वो है वाराणसी, हरदोई, मुरादाबाद, बरेली और फैजाबाद। इसके साथ ही इसमें कुल पदों की संख्या दी गई है, यानी वाराणसी में 111, हरदोई में 54, मुरादाबाद में 187 और बरेली में 242 और फैजाबाद में 87। इस प्रकार ये कैटेगरी के अनुसार अन्य ये डिवाइड की गई है सीटों को। इसके साथ ही इसमें अंतिम तिथि भी देख सकते हैं, इन सभी के लिए 9/10/2018 से वाराणसी में स्टार्ट हैं और 20/10/2018 तक कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी कि वाराणसी, हरदोई, मुरादाबाद और बरेली इनके लिए जो आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है उसकी अंतिम तिथि 20/10/2018 है। और इसके साथ ही जो फैजाबाद के लिए जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो 15/10 से स्टार्ट है और अंतिम तिथि 25/10/2018 है। यह आप इसकी ऑफिशियल नोटिस से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दूंगा, वहां से आप इसकी विस्तृत जानकारी देखने के पश्चात अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, स्टेट और सेंट्रल लेवल की जो भी सरकारी विभाग में भर्तियां निकले उनकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचाता रहूँ। अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए और लाइक भी कीजिए, जिससे आपको जो भी सरकारी विभाग में भर्ती आए उनकी सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।